आज हम जनाब नदीमुद्दीन साहब के मकान पे आए हैं, जिन्होंने बिदर की तारीख़ के लिए बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। जनाब ने 2 मरतबा UPSC एग्ज़ाम क्लियर किया है, जो बिदर की तारीख़ में एक अलग लफ्ज़ में लिखा जाएगा। बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज नदीमुद्दीन साहब को ये मुकाम हासिल हुआ है। ज़रिए आप तमाम हजरात को नईमुद्दीन साहब, उनके वालिद साहब और जनाब नदीमुद्दीन साहब UPSC क्लियर किए हैं, जो उन दोनों से मुलाकात कराएंगे। आइए उनसे कुछ दो लफ्ज़ बात करते हैं, उनके अपने तजुर्बे के बारे में, उनकी अपनी मेहनत के बारे में, और जो उन्होंने जिस मशक्क़त से यहाँ पर पहुँचे हैं, उन सब ताल्लुक़ से कुछ उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। सभी को अस्सलामु अलैकुम, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एंड मैं सबसे पहले अपने बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि मैं मोहम्मद नदीम हूँ और आप ही के शहर बीदर से ताल्लुक़ रखता हूँ। और इस साल UPSC के सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, जो कि जिसको हम IAS का एग्ज़ाम भी कहते हैं, उसमें पूरे इंडिया में मैंने 461 रैंक हासिल किया है। और जैसे कि आप जानते भी हैं कि मैं ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को मैंने पहले भी क्लियर किया था, और मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर था एज असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स। बट मुझे बचपन से ही इंडियन पुलिस सर्विस में ज्वाइन करने का एक ख्वाब था, क्योंकि मेरा घर एक पुलिस स्टेशन के जस्ट बिल्कुल सामने है। तो बचपन से मैं देखता था पुलिस की वर्दी को, बहुत करीब से मैंने देखी है, और मैं ख़ुद NCC कैडेट रह चुका था। तो ये ख्वाहिश थी और इसके लिए मैंने कम से कम 4 से 5 साल बहुत मेहनत की, और आज इस चीज़ को, जो मेरा बचपन का सपना था, ये मेरा पूरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो मेन क्रेडिट है, मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि ये पेरेंट्स ही हैं जिन्होंने मुझे अपने ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि मैंने इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद ये मुझे मौका दिया कि मैं अपना जो सपना था मैं पूरा कर सकूँ। अगर ये पेरेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो शायद आज मैं एक मामूली सा सिविल इंजीनियर होता। मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज बीदर के स्टूडेंट्स के लिए, बीदर के यूथ के लिए ये है कि अपने लाइफ के जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको डाइवर्सिफाई कीजिए। इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी बहुत बड़ी लाइफ है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे सिविल सर्विसेज का एक ऑप्शन था, पुलिस का एक ऑप्शन था, और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि बीदर में एक इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का सेकेंड लार्जेस्ट बेस है यहाँ पर, और ये मुल्क के इंडिपेंडेंस से लेके आज तक अभी तक है, लेकिन अभी तक बीदर के किसी पर्सन से यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारे जितने भी लोग इंडियन एयरफोर्स बेस में वर्क करते हैं, वो या तो ग्रुप डी कैटेगरी में हैं या और भी लोअर कैटेगरी में हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि यहाँ से कोई पायलट बन के बीदर के इंडियन एयरफोर्स स्टेशन से एक जहाज़ यहाँ से उड़ा है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। जैसे मैंने ये चीज़ पॉसिबल करके दिखाई, आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं। अपने आप को किसी चीज़ तक लिमिट मत करिए। करियर के अपॉर्चुनिटीज़ इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं। कोई लॉ बन के बहुत अच्छा लॉयर भी बन सकते हैं, और सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं, जैसे मैं बताया जुडिशरी के एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और मेरे हिसाब से, जैसे जब मैंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम क्लियर किया था, वो बीदर की हिस्ट्री में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से अभी तक किसने नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से जो लिमिट्स हैं, वो हमारे माइंड में होते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो कोई नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल सभी लोग कर सकते हैं। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैं मेहनती ज़रूर हूँ। 10th तक भी मेरा परसेंटेज बिल्कुल नॉर्मल ही था, 70% था, और 11th-12th में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की, और इंजीनियरिंग में भी मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा था। बट जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपने आप को वर्दी में देखना है, मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनना है, उसके लिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेडिकेट किया, मेहनत किया, और ऐसा नहीं कि मुझे हमेशा सक्सेस मिली, मैंने फेलियर्स भी देखे। मैं पहले जब अटैम्प्ट अपना दिया, मैं फ़ेल हो गया, लेकिन मैं वहाँ रुका नहीं। मैं अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट किया, और मैं अपने फेलियर्स को पहचान गया कि क्या मेरे से गलती हुई है, और उसी फेलियर्स को मैं रेक्टिफाई किया, मैंने इम्प्रूव किया। अगले साल हुआ ये कि मैं ऑल इंडिया में 656 रैंक मैंने हासिल किया, और इंडियन रेवेन्यू सर्विस मुझे अलॉट हो गई। लेकिन यहाँ भी एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे भी मैं रुका नहीं। मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है एट प्रेजेंट, ग्रुप ए सर्विस, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ अंडर ट्रेनिंग इनकम टैक्स का। फिर भी वो ख्वाहिश दिल में थी मेरे कि मुझे इंडियन पुलिस सर्विस बनना है, मुझे यूनिफॉर्म पहनना है। तो फिर से मैंने
एग्ज़ाम को दोबारा से एक साल का प्रोसेस किया, लिखा, और ऊपर वाले का शुक्र है कि आज मैं आपके सामने एज़ यूपीएससी 2019 के एग्ज़ाम में पूरे हिंदुस्तान में 461 रैंक हासिल करके एक इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर मैं बनने जाऊंगा। और मुझे बहुत यकीन है, पूरा यकीन है कि आने वाले सालों में इस शहर से बहुत ज़्यादा और भी लोग सिविल सर्विसेज का हिस्सा बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनेंगे। तो याद रखिए, लिमिट्स सिर्फ हमारे मन में है और कहीं नहीं है। और अभी मेरे वालिद साहब कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों को अपना सलाम अर्ज करना चाहता हूँ। और एक बार मेरी यह खुशकिस्मती है आज मैं आपके चैनल पे हूँ। उसका मेन वजह जो है, मेरे फर्जंद मोहम्मद नदीमुद्दीन ने जो 2017 में यूपीएससी को क्रैक किए और आईआरएस इनको सर्विस अलॉट हुई, पर इनके जहन में हमेशा ये बात रही कि मैं अपनी कौम मिल्लत की खिदमत करूं। इस खिदमत के तहत उन्होंने ये मुनासिब समझा कि मुझे आईएएस या आईपीएस बनना चाहिए, मगर इनके अंदर एक आईपीएस ऑफिसर छुपा हुआ था। इस मकसद के तहत उन्होंने मुझसे इजाज़त ली, फिर लीव अप्लाई करके फाइनेंस डिपार्टमेंट से फिर इन्होंने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी शुरू कर दी। फिर यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन इन्होंने 2018 में लिखना शुरू किया। वो 19 का जो बैच है इसके अंदर उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेन क्लियर किया, आखिरकार वो दिन आ गया जब इंटरव्यू जाना था। मुझे जब अच्छी तरह से मालूम है 24 जुलाई को जब इनके लिए दिल्ली से इनविटेशन आया, मेरे लिए थोड़ी सी फिक्र वाली बात थी कि लॉकडाउन की वजह से, मगर मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत हिंद का, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का, उन्होंने इनके इंटरव्यू के लिए राहें आसान कर दी। चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका को मैसेज मिला कि इनके इंटरव्यू के लिए जाने के लिए सुविधा पैदा की जाए। फिर इन्होंने एसपी डीसी के ताउन से अपना सफ़र बांधा, हैदराबाद होते हुए दिल्ली पहुँचे, और अब कामयाब इंटरव्यू देने के बाद कल यानी कि 4 अगस्त को ये इनका रिज़ल्ट अनाउंस हो गया, और माशाल्लाह ये 461वां रैंक हासिल किए। और इसी तरह से आईपीएस की सीट इनके लिए उम्मीद की जाती है, 100% उम्मीद की जाती है कि इनको अलाट की जाएगी। इतनी सारी यहाँ तक पहुँचने में एक कड़ी मेहनत का इनका हाथ है, एक जील जो ये किए। एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी समझूंगा, जहाँ कहीं भी ऐसे अचीवमेंट होता है, स्कूलिंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मोहम्मद नदीमुद्दीन 1 to 10 केंद्रीय विद्यालय में बीदर में तालीम हासिल किए, इसके बाद ये पीयूसी की यानी कि 11-12 की तलाश में मैंने इनके लिए श्री चैतन्य हैदराबाद का सिलेक्शन किया। ये 11-12 वहाँ से पास आउट होने के बाद ये कर्नाटका सीईटी को अपीयर किया इन्होंने, और अल्लाह के फजल करम से गवर्नमेंट सीट हासिल करके कर्नाटका के एक टॉप कॉलेज इंजीनियरिंग के श्री रामैया इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अपने ग्रेजुएशन के बाद कई एक इनके लिए प्लेसमेंट के चांस थे, अपॉइंटमेंट के चांस थे, फॉरेन सर्विस की चांस थे, मगर इन्होंने ये मुनासिब समझा कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करूँ और अपनी मिल्लत कौम अपने देश की खिदमत करो। इसके तहत इन्होंने एक संकल्प लिया, अहद लिया, और मुसलसिल कड़ी मेहनत के बाद दिल्ली में रिहाइश का इंतज़ाम होने पर वहाँ एक साल तक वाजी राम एंड रवि नामी इंस्टीट्यूट में इन्होंने कोचिंग ली। उस कोचिंग के बाद ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट, ज़कात फाउंडेशन, हमदर्द इंस्टीट्यूट में रिहाइश के साथ वहाँ रहे, और कड़ी मेहनत के बाद ये 2017 के बैच में यूपीएससी को इन्होंने क्रैक किया, और आईआरएस इनको अलाट हुआ या असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स के ओहदे पे फायज रहे। मगर जैसे कि आप जानते हैं, इनकी ख्वाहिश को पूरी करने में थोड़ा सा और वक्त था। ये चाहते थे कि ये आईपीएस बने,
तो इस इरादे से इन्होंने 2019 का एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी, गवर्नमेंट ने इजाज़त दी। फिर उसके बाद इन्होंने जहाँ पे करीब 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम से पियर करते हैं, तो 10 लाख बच्चों में इन्होंने भी अपना नाम रजिस्टर करवाया। फिर प्रीलिम्स के बाद मेन के लिए 12,000 लड़कों का चुनाव होता है, सारे लड़कों को खारिज किया जाता है। तो 12,000 के का जो बच्चे एग्ज़ाम्स दिए मेन का, उसमें पास होने वाले कामयाब उम्मीदवारों में मोहम्मद नदीमुद्दीन का भी नाम है, जो जुमला 2,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं कम से कम। फिर ये 2,000 बच्चों के अंदर इनको इंटरव्यू के मरहले से गुज़रना पड़ता है, और ये 2,000 में से इंटरव्यू के मरहले से गुज़रने के बाद 850 वैकेंसीज इस साल थी। तो 850 बच्चों में मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहम्मद नदीमुद्दीन को कि इन्होंने अपना नाम उसमें रजिस्टर करवाया और 461वां रैंक हासिल किया। तो नाज़रीन, इस नतीजे पे यही पहुँचा जाता है, कड़ी मेहनत, लगन और अल्लाह से दुआ के बाद ये चीज़ हासिल होती है। मगर मेरा अपना तजुर्बा ये बता रहा है कि जहाँ बच्चे मेहनत करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, वालदैन को भी इनके भरपूर ताउन करना पड़ता है और एक अहम रोल अदा करना पड़ता है। का नाकामियाँ भी आती हैं, जैसे कि नदीम ने अपने इंटरव्यू में बतलाया कि मैंने पहले नाकामी का मुंह झेला। कहते हैं कि इंग्लिश में फेल्यूर पिलर, सक्सेस का पिलर फेल्यूर ही होता है भाई। तो उसी तरह से इन्होंने पहले नाकामी का मुंह झेला, फिर मैंने इनकी हिम्मत अफजाई की, फिर दूसरी बार इन्होंने अपीयर करके क्रैक किया, फिर जब तीसरी बार इन्होंने अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। इंशाअल्लाह ताला ये कौम और मिल्लत का नाम रोशन करेंगे, और इस दफ़ा तो इन्होंने बीदर के बड़े टफ हालात में भी इन्होंने अपने और एक साथी के ज़रिए इस काम को अचीव किया। मेरी अल्लाह से दुआगो है कि नदीम का रिकॉर्ड बीदर के ही और लोग ब्रेक करें और इस शहर से और बच्चे यूपीएससी को जाएं और मुल्क और कौम की मिल्लत की खिदमत करें।